हाय व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत मज़ेदार रेसिपी दाल चावल शाही अंदाज में बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है या मेरे व्यूअर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को देखा है और आइंदा भी वो देखते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और मैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाना है। रहमान, इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये चावल लिए हैं। चावल मैंने एक कप, ये वाला जो है ये एक कप लिया है। इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो दिया था चावलों को। इसके साथ मैंने मसूर की दाल ली है, ये है तकरीबन ये 300 ग्राम है, ये पहली मैंने ली थी, और इसको मैंने 15 मिनट पहले धोया है। इसके साथ मैंने 2 अदद प्याज काटे हैं, 2 अदद टमाटरों का पेस्ट लिया है, 6 या 7 कलियाँ ये जो है वो लहसुन को काट लिया है, हाफ टी 1 टीस्पून मैंने लिया है लेमन जूस, ये 4 अदद सूखी मिर्च जो है ये है, इसके साथ 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद लौंग, 4 अदद काली मिर्च और कड़ी पत्ता लिया है, 2 टीस्पून ज़ीरा है, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसके साथ जो मसाले मैंने डालने के लिए लिए हैं वो है इस तरह से, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। इसके साथ जो मसाले मैं डालूंगा वो इस तरह से हैं, मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, चिकन क्यूब 1 अदद, ये खुश्क मिर्च लाल जो है पिसी हुई ये 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये जो चाइनीज़ सॉल्ट लिया है ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने इस पतीले में 4 अदद इस तरह के कप लेके इसमें पानी डाला है, उसको बॉयल कर रहा हूँ मैं। जैसे कि देख रहे हैं पानी अब उबल रहा है, इसमें मैं ये जो 1 चम्मच है ये मैं नमक डाल रहा हूँ। इससे ये जो अब मैं इसे हिलाऊंगा, इस नमक के डालने से चावल में इसका जायका आ जाता है, जो कि जिससे ये जायका अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें अब चावल डाल रहा हूँ। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो इस तरह से इसे बनाएं, इसमें नमक डाल दें पहले, तो इससे टेस्ट इसका अच्छा आता है, क्योंकि वो ये हल्का सा पानी में जब हल हो जाता है तो इससे उसका टेस्ट जो है अच्छा बन जाता है। लेकिन जो हजरात ख़वातीन हजरात जो हैं वो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो नमक को यूज़ ना करें, वो इसमें नमक ना डालें। जैसे कि देख रहे हैं ये चावल उबल चुके हैं, आपने इनको इस तरह से उबालना है, ये इस तरह के हो जाएंगे। अब मैं इसमें से पानी निकाल के आपको मिलता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पानी को इसमें से अलग कर लिया है। अब ये इस तरह से बने हैं जो कि थोड़े से कच्चे हैं। अब मैं इनको इस पतीले में दोबारा डाल के इसको थोड़ा सा दम दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रहा हूँ। मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रहा हूँ। मैं ज़ीरे को 1 मिनट तक फ्राई करूँगा। मिला रहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ज़ीरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे इन चावलों में डालूँगा और चावलों को 4-5 मिनट तक हल्की आंच पे दम दूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान, चावलों को दम पे रखने के बाद मैं अब एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप का चौथा हिस्सा। अब मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ।
अब मैं इनको फ्राई करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक चुटकी भर ज़ीरा इसमें डाल रहा हूँ। इससे जो इसका टेस्ट है वो प्याज में चला जाएगा और ज़ायका बहुत अच्छा होगा। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक इस डाल रहा हूँ। इसमें मैंने 2 टीस्पून लहसुन और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाला है। दाल बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसका मसाला अच्छा बने। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतनी ही अच्छी हमारी दाल बनेगी, तो ये आपने खास ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे नहायत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर का पेस्ट डाल रहा हूँ। आंच आपने मीडियम रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं अब 2 अदद हरी मिर्चें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें मसाले डाल रहा हूँ। ये 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये जो 1/2 टीस्पून है ये चाइनीज़ नमक, ये जायके के लिए बहुत अच्छा होता है, और लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून, सूखी मिर्च जो है 1/2 टीस्पून, और ये क्यूब जो है एक अदद आपने डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले डालने के बाद मैंने कुछ देर उनको उसमें मिक्स किया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मसालों को पका लिया है। अब मैं इसमें दाल डाल रहा हूँ। अब मैं दाल को इसमें थोड़ी देर भूनूंगा ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये एक प्याली दाल ली थी। अब इसी दाल में मैं 2 प्याली डालूंगा उबलता हुआ पानी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि देख रहे हैं, मैंने पानी इसमें डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ड्राई किया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए स्टीम पे रखूँगा। मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम पे रखूँगा। आँच को आपने धीमा रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह की तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने तड़का किस तरह लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक फ्राई पैन में 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अब इस जैसे कि कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, मैं अब इसमें प्याज डाल रहा हूँ। अब मैं इन प्याजों को फ्राई करना है अच्छी तरह से इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कि ये प्याज इस तरह का हो गया है। अब आपने इसमें लहसुन डाल देना है। अब मैं लहसुन को इसमें फ्राई करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं प्याज को और लहसुन को फ्राई कर रहा हूँ। नहायत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू इसमें से आ रही है, जो कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और अब मैं इसमें ये जो गरम मसाले हैं ये डाल रहा हूँ। ये 4 अदद सूखी मिर्च, लौंग, सॉरी दारचीनी, 2 अदद लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा और कड़ी पत्ता, और इनके डालने से इसकी जो खुशबू है उसको और भी 4 चांद लग जाएंगे।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें जो तड़का डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि आप देख रहे हैं एक डिश में डालने के बाद और तड़का लगाने के बाद इस तरह से इसकी शेप आई है, नहायत मज़ेदार बनी है। अब मैं आपको इसे खा के बताऊँगा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे चावल और दाल बन चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लुक देखें आप कितनी अच्छी बनी है ये दाल और चावल इस तरह से बने हैं। अब मैं आपको इसे खा के बताता हूँ कि किस तरह का इनका जायका है। हाय व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह के बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टेस्ट आया है। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने अपने हाथों से बनाया तो इसलिए, लेकिन यकीन कीजिएगा नहायत ही टेस्टी है। इसमें हर मसाले का अलग टेस्ट आ रहा है, दाल का अपना मज़ा है, चावलों का अलग से टेस्ट है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे और इसे खाएंगे आप अपने आप कारोबार के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसे आपने अगर घर में बनाना है और मेहमानों को सर्व करना है तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और जिन हजरात ने अपना होटल का काम शुरू करना है वो भी इस तरह की रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह देखिएगा माशाल्लाह उनके कारोबार में बरकत होगी और वो बहुत अच्छा, उनके कस्टमर बहुत अच्छा और लाइक करेंगे इसे। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लगी है दाल। मैं अपने तमाम उन हजरात का जो मेरा चैनल देखते हैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी डिशें बनाऊँगा। इन दाल चावलों का जायका जो है गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप इसे बनाइए इसी तरह से, इसी तरीके से मेरे बनाए हुए तरीके से, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे मेरी हौसला अफजाई आती है जब मुझे मेरे जो देखने वाले लोग हैं वो मेरे मुझे कमेंट्स भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आइंदा भी आपके लिए इसी तरह की डिशें बनाऊँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।